कई बार हम लोगों को चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं। दूर से मतलब, हाँ लड़का स्मार्ट लग रहा है, लड़की अच्छी लग रही है, लड़की ब्यूटीफुल है ना। पर अभी तक तो दूर से देखा है, फर्स्ट इंप्रेशन, शक्ल देखी है, कपड़े देखे हैं, पहनावा देखा है, और तो कुछ नहीं देखा। तो बहुत सारी कुछ भी आदत हो सकती है, ठीक है, जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तो या फिर उसको अच्छी नहीं लगती, तुम बहुत ज़्यादा पजेसिव हो उस चीज़ को लेकर, नहीं तू मेरी गर्लफ्रेंड है तू कहीं नहीं जाएगी। कई लोग होते हैं ना, ओए तू मेरी गर्लफ्रेंड है तू कहीं नहीं जाएगी, तेरा ठेका मैंने ले रखा है, ऐसा होता है ना। तो लड़कियों को कहना कि क्या है ये, बॉडीगार्ड है मेरा, बॉयफ्रेंड है, उसको आज़ादी चाहिए। भाई तुम सोचो, अपने पेरेंट्स से आज़ादी के लिए तो तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाया, अब बॉयफ्रेंड भी ऐसा हो गया, ऐसे हट्टा कट्टा, होए तू तो मेरी जिम्मेदारी है, अरे भाई। तो ऐसा काम नहीं चलता। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस केस में क्या होता है, लड़की कहेगी ब्रेकअप है अपना, मेरा तो काम चलेगा नहीं क्योंकि मैं तो अपने माँ बाप की नहीं सुनती, तू है कौन। वहां ब्रेकअप होगा, और कई बच्चे इस चीज को सहन नहीं कर पाते, कई लड़कियों के साथ भी होता है, मैं नहीं कह रहा हूं लड़कियों के साथ नहीं होता, और सहन नहीं कर पाते तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। होता है ना, कि बहुत शिद्दत से प्यार करते थे तुम उसे, इतना ज्यादा पजेसिव हो गए थे, उसको किसी और के साथ देख ही नहीं सकते थे, पता लगा उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया और अगले दिन अपने पड़ोसी के साथ घूम रही थी, या फिर अपने पड़ोसी के साथ घूम रहा था। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इन दैट केस आपको बड़ा दुख होता है, क्योंकि आप उस इंटेंस रिलेशनशिप में घुस गए थे, बस तू ही मेरी जिंद है, तू ही मेरी जान है, अंदर तक दिल में घुसा लिया था, और बाद में अरिजीत सिंह के गाने चल रहे हैं वहां पे। नहीं, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगी बड़ा पछताओगी, ऐसा गाना भी चल रहा है, उन्हीं के लिए अरिजीत सिंह ने गाना गाया था। तो वो ब्रेकअप सॉन्ग चल रहे हैं अरिजीत सिंह के हेडफोन के अंदर, याद आ रही है उसकी, पता लग रहा है कि वो तो मेरे ही दोस्त के साथ अब उसकी फ्रेंडशिप हो चुकी है और उसके साथ घूम रही है, मुझे छोड़ दिया उसने। अरे तुम इतने पजेसिव हो गए, तुम्हें कोई भी छोड़ के भाग जाएगा। सो रिलेशनशिप में आप थोड़ा, इतना टाइटनेस भी अच्छी नहीं है, और जब टाइटनेस, जिन जो ज़्यादा पजेसिव होते हैं उनका जब दिल टूटता है, बेसिकली वो संभाल नहीं पाते और उससे इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई सब छूट ही जाती है। और कईयों की तो ये हालत हो जाती है कि नहीं मुझे छोड़ के चली गई, मैं दुनिया ही छोड़ के जा रहा हूँ, वो और गलत हो जाता है। आप तब ये भी नहीं सोच पाते कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए सपने देखे हैं, मेरे माँ बाप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मुझे बड़ा करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। क्या मैं इसी दिन के लिए, सिर्फ एक छोटे से रिलेशनशिप के लिए, जो कि एक दो महीने का भी नहीं है, अपने आप को मैं फांसी लगा रहा हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ? इज इट गुड? नो।